क्वेश्चन देख के आपको सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, ठीक है? पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपके पास कि ये एक रेशनल फंक्शन है, वो भी प्रॉपर है। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि जो नीचे की डिग्री होगी वन इन वन प्लस वन प्लस वन 3 डिग्री हो जाएगी, और ऊपर की डिग्री 1 है। मतलब ये ऐसा रेशनल एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है? उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है? देर आर 3 इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर्स हैं, कोई भी रिपीटेड नहीं है। इसका मतलब कि जो ये हमारा रेशनल एक्सप्रेशन दिख रहा है, इट कैन बी ब्रोकन इंटू 3 इंडिविजुअल रेशनल फंक्शंस, और वो सिंपलर फॉर्म में होंगे, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे, या पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को पार्शियली ब्रेक कर देना हम कहेंगे। खैर, देखते हैं ब्रेक कैसे करते हैं। तो हम कहेंगे 3x-1 अपॉन x-1 टाइम्स जो भी इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर हैं उनको हम कैसे एज्यूम करते हैं, कॉन्स्टेंट ए अपॉन वन ऑफ द लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन अदर x-2 एंड प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट काम क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। खैर, करेंगे कैसे? पहले हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, वहाँ से आपके पास एक तरीका होगा, और हमने आपसे वादा किया था कि आगे हम सारे तरीके बताते जाएंगे, है ना, कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। खैर, और वहाँ पे इसके मार्क्स भी आपको नहीं मिलते कि आपने कैसे ब्रेक किया, वो स्टेप दिखानी हो, क्योंकि आपको फाइनली जो मार्किंग करी जाती है आपकी, आपने इंटीग्रेट कैसे किया है और फाइनल आंसर्स आपने रिपोर्ट कैसे किया है, वहाँ पर आपकी मार्किंग होती है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक किया है इसकी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, तो जितना जल्दी कर लीजिए ज़्यादा सही है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जब भी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ए के नीचे लीनियर फैक्टर क्या है आपका, x-1 है, तो x-1 को 0 प्लेस करिए राइट साइड में, ठीक है? तो x-1 को 0 प्लेस करने का मतलब क्या हुआ, x-1 को 0 प्लेस करने का मतलब हुआ x की वैल्यू 1 रखना, बशर्ते ये जो टर्म x-1 है यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, ठीक है? और जो भी आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा वहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लेस कर देंगे, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a। तो a क्या हो जाएगा, 3 × 1-1 ओवर क्या हो जाएगा, 1-2 एंड 1-3। ये जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो एक, जिस भी तरीके से निकालिए आप, है ना, जो भी आपको आता हो, चाहे कोफिशियंट कंपेयर करके, या फिर जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके जो हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में किया है, या फिर इस तरह से, तीनों ही तरीके से ए की वैल्यू आइडेंटिकल आएगी, टाइम फर्क करेगा तीनों में। खैर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 1 3-1 2 हो गया, ओवर 1-1-1 हुआ, और ये हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2, फाइनली आ गया ए की वैल्यू 1 आ गई, तो दैट कम्स आउट टू बी वैल्यू ऑफ ए इज 1, ठीक है? सिमिलरली हम बी फाइंड आउट करते हैं, बी के लिए आप क्या करोगे, क्या हाइड करोगे, बी के नीचे आप ध्यान दीजिए x-2 है, तो यहाँ x-2 को हाइड कर लीजिए और x की वैल्यू 2 प्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 - 1 = 5, न्यूमरेटर 5 हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2 - 1 = 1 हो गया, और 2 - 3 - 1 हो गया, तो 1 × -1 दैट मीन्स यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। हम लिख के बता रहे हैं, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। c की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, तो c के नीचे आप क्या ध्यान दीजिए, x-3 है, x-3 को यहाँ हाइड कर लीजिए, अब x की वैल्यू क्या प्लेस करोगे, 3 प्लेस करोगे, तो 3 × 3 = 9 और -1 = 8 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बिकम 8 अपॉन 3 - 1 = 2 हो गया, एंड 3 - 2 = 1 हो गया, तो दैट कम्स आउट टू बी c = 4 आ गया। तो ये आपके ए बी सी आ गए हैं, ठीक है, ये वर्किंग दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। खैर, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे आप नेक्स्ट नीचे प्रोसीड करिएगा, हम यहाँ पे आपको कर दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है, आपके पास कॉपी में काफ़ी स्पेस होगी कॉपी में। खैर, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई थी, ए की वैल्यू 1 आ गई थी, है ना, बी की वैल्यू
माइनस फाइव आ गई थी, तो ये माइनस यहाँ कर देते हैं, फाइव अपॉन एक्स माइनस टू, और सी की वैल्यू आपकी आ गई थी फोर, तो फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ कि इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन आपका क्या है, लीनियर ऑपरेटर होता है, जैसे डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं, फाइव बाहर कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया आपका माइनस फाइव, यहाँ वन हो गया, फोर यहाँ कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं, तो फोर बाहर हो गया, ठीक है। अब ये वन अपॉन हो गया। अब देखिए वन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, लॉग, तो दैट इज लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन हो गया, माइनस फाइव लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस टू हो गया, इसका क्या हो जाएगा, प्लस फोर टाइम्स लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस थ्री हो गया, प्लस सी, दैट इज इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर।